पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में रविवार रात जब बारिश और गीले आउटफील्ड के चलते मैच दोबारा शुरू हुआ तो भारत के लिए बुरी खबर लेकर आया। विराट कोहली सिर्फ 3 गेंद खेलकर आउट हो गए। उन्होंने नसीम शाह की एक बेहद घटिया गेंद पर निहायत ही घटिया शॉट खेलकर अपना विकेट फेंक दिया। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद नसीम शाह ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट लेंथ फेंकी, जिस पर विराट कोहली ने कवर पॉइंट की ओर शॉट लगाना चाहा, लेकिन उस्मान शाह ने एक आसान कैच लपकने में कोई गलती नहीं की। इस तरह विराट कोहली इस बड़े मैच में सिर्फ 3 गेंदें खेलकर महज 4 रन बनाकर आउट हो गए। दरअसल बारिश के चलते पहले तो मैच 1.25 घंटे की देरी से शुरू हुआ, फिर एक ओवर के बाद ही बारिश के चलते मैच दोबारा रोकना पड़ा। इस बार बारिश थमने के बाद जब खिलाड़ी मैदान पर पहुंचे तो पाकिस्तान के लिए दूसरा ओवर नसीम शाह फेंक रहे थे। पहली गेंद पर विराट कोहली ने हाफ वैली पर अपना सिग्नेचर शॉट कवर ड्राइव खेला और बाउंड्री तलाश ली। ये विराट की पहली गेंद थी। चौके से खाता खोलने के बाद विराट का कॉन्फिडेंस अब 7वें आसमान पर था। दूसरी गेंद पर उन्होंने डिफेंस किया, लेकिन तीसरी गेंद पर उनकी पारी का अंत हो गया। विराट कोहली के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में मातम पसर गया। स्टैंड्स में बैठी उनकी पत्नी और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का चेहरा देखने लायक था। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि विराट कोहली आउट हो चुके हैं। वैसे भी पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली का रिकॉर्ड जबरदस्त है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 5 पारियों में उनके नाम 4 अर्धशतक भी है। 3 बार वो प्लेयर ऑफ द मैच रह चुके हैं, 2 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीत चुके हैं, लेकिन इस बार T20 वर्ल्ड कप में वो महज 4 रन बनाकर चलते बने। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।